नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप दावड़ा चित्रगढ़.com पे आईपीओ रिव्यू के लिए कंट्रीब्यूटिंग एडिटर के तौर से जुड़ा हूँ और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक और ऐसे स्पेशलिटी केमिकल आईपीओ की जो 15 मार्च को अपना 600 करोड़ का इशू ला रही है और ये इशू जो है 17 मार्च को बंद होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो AI और PI नामक विशिष्ट केमिकल के व्यवसाय में व्यस्त है और उसके कई सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक मर्की क्लाइंट्स है जिनके साथ उनका काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशंस भी है और रिपीट ऑर्डर्स भी आते हैं। ये कंपनी के अगर हम वित्तीय कारोबार के बारे में बात करें तो वित्त वर्ष 2018 के लिए कंपनी ने 1396 करोड़ के टर्नओवर पर 75.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। FY19 के लिए कंपनी ने 1574.32 करोड़ के कारोबार पर 72.39 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था और FY20 के लिए कंपनी ने 1538.62 करोड़ के कारोबार पर 70.21 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था। यानी कि FY20 के लिए कंपनी ने थोड़ी पीछे दिखाई थी, लेकिन इसके लिए कंपनी ने कहा है कि एक तो पैंडेमिक के थोड़ी इम्पैक्ट देखने को मिले थे मार्च महीने में और उसके साथ साथ कंपनी ने जो अपना एक्सपांशन प्रोग्राम जारी किया है उसके लेते कंपनी ने कुछ प्रोविजनिंग भी ज़्यादा किए थे डिप्रिशिएशन आदि के लिए, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट थोड़ा कम दिखा है। लेकिन हम अगर पहले 6 महीने की बात करते हैं चालू वित्त वर्ष के, तो कंपनी ने 814.36 करोड़ के कारोबार पर 45.48 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, जो अच्छा माना जा सकता है क्योंकि पैंडेमिक के बावजूद कंपनी ने यह प्रदर्शन दिखाया है। ये कंपनी जो है अपने शेयर्स जो है 2 रुपये के उसको 129 से 130 के भाव में देने जा रही है। आपको कम से कम 115 शेयर के लिए आवेदन करना होगा या तो उसके गुणोत्तर में। और इस कंपनी के अगर भावी के बारे में बात करें तो कंपनी के पास कई सारी जो मर्की क्लाइंट्स हैं उनके पास काफ़ी विशेष प्रोडक्ट्स के लिए भी डिमांड बनाई हुई है, जिसको लेकर कंपनी ने अपनी विस्तरण क्षमता भी चालू की है जो आने वाले 1.5 साल में पूर्ण हो जाएगी, जहां पे कंपनी हाई मार्जिन हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को उत्पादन करने के लिए कटिबद्ध बनी हुई है। तो इसको देखते हुए मैं मानता हूं कि इस आईपीओ में भी अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना अगर मन बनाओगे तो आप नुकसान नहीं रहोगे। हालांकि कंपनी का जो अभी 130 का भाव है वो करीब करीब 46 के पी पे दिख रहा है, सॉरी 37 के पी पे दिख रहा है, जबकि इंडस्ट्री का कंपोजिट जो है 21.7 का है। लेकिन उसके जो लिस्टेड पीयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी पीयर्स जो है वो 40 से ज़्यादा पी पे कोट हो रहे हैं, तो ये कंपनी का जो 37.36 के पी पे जो इश्यू आ रहा है, मैं मानता हूँ इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए कोई हर्ज नहीं है। हाँ, आप अगर इसमें और कुछ दुविधा है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह ले सकते हैं या तो मेरा डिटेल रिव्यू चित्रगढ़.com पे देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इसमें अगर निवेश करने का मन बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।